सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 ग्राम MD तथा 11,300 रुपये नकद बरामद करते हुए परिवहन में प्रयुक्त एक बुलेट एवं एक बिना नंबरी हीरो मोटरसाइकिल की बरामद कार्रवाई में पुलिस ने कुमारी गांव से दोनों को किया गिरफ्तार। गश्त के दौरान थानाधिकारी रूपाराम ने अपने दल के साथ कातपुरा से बासनी की तरफ जाने वाली रोड पर एक बुलेट और एक मोटरसाइकिल सवार आरोपियों को रुकवा कर पूछताछ तथा छानबीन की तो मिला अवैध मादक पदार्थ। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिपाल निवासी गोवा खुर्द तथा महराम निवासी सिंगड़ को कर लिया गिरफ्तार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में औसत से कम बारिश दर्ज होने की जताई गई है प्रबल संभावना, जबकि 8 से 9 सितंबर को एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने तथा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की है संभावना। नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान में आगामी सप्ताह में मौसम रह सकता है शुष्क। ग्राम पंचायत स्तर पर ही ग्रामीणों को राहत देने की सरकार की नई पहल पर नागौर जिले में कल ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई हुई आयोजित। जिले की करीब 500 ग्राम पंचायतों में आयोजित जन सुनवाई में कई पंचायतों में जन सुनवाई महज दिखावा बनकर रह गई। कई पंचायतों में बिना ग्राम विकास अधिकारी के ही जन सुनवाई हुई शुरू। कई जगहों पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और लिपिकों ने जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करवाने का दिया आश्वासन। जन सुनवाई में मुख्यतः पेयजल संकट, अतिक्रमण, रास्ता विवाद, विद्युत समस्या और गोवंश में फैली लंबी बीमारियों की रोकथाम के प्रकरण आए सामने। नागौर जिला मुख्यालय पर गणेश महोत्सव के तहत विराजित हुए महागणपति के दर्शनों को उमड़ा शहर। वैदिक मंत्राचारों के साथ विराजित गणपति की गई आराधना तथा गणपति मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रिहायशी क्षेत्रों में पंडालों में भी विराजित कराए गए श्री गणेश, जबकि कई लोगों ने अपने घरों में ही गणेश जी को कराया विराजित। जिले के सभी गणेश मंदिरों में विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना, भक्तों ने भगवान गणपति को प्रसाद आदि अर्पण कर मन वांछित की कामना। कल पूरे दिन श्रद्धालुओं ने उपवास भी रखा। गणपति चालीसा के साथ 108 नामों के मंत्र और संकटनाशक स्त्रोत गूंजते मिले शहर में। नागौर शहर के अच्छित्रगढ़ स्थित मंदिर में भी भगवान गणेश की फूलों के साथ किया गया विशेष श्रृंगार। नवीन परिधानों के साथ सजे गणपति का देखने को मिला विहंगम रूप। नागौर जिले के ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में पे ग्रेड 3600, केडर परिवर्तन, पॉलिसी लंबित पदोन्नति, 565 नवीन पद सर्जित सहित अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। संगठन के महामंत्री मोहनलाल ने बताया कि बीते 4 अगस्त से ही प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कार्य के बहिष्कार का किया गया है आह्वान, जबकि इसके बावजूद भी जिले में ग्राम विकास अधिकारी स्वतंत्रता दिवस एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे लंपी स्कीन एवं पेंडिंग पड़े ऑफलाइन कार्यों में कर रहे हैं सहयोग, लेकिन सरकार उनकी उचित मांगों पर ध्यान नहीं देकर कर रही है आहत। ऐसे में कल से ऑफलाइन सहित अन्य सभी कार्यों का भी ग्राम विकास अधिकारियों ने बहिष्कार करने का लिया निर्णय। कल नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को संगठन ने ज्ञापन सौंपकर विरोध कराया दर्ज। उस समझौता को लागू करने की हम मांग करते हैं और वो समझौता लागू नहीं होने के कारण हमारे द्वारा आक्रोश आंदोलन किया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी साथी काले कपड़ों में विरोध के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं जिला स्थानांतरण नीति, जिसके अंदर हमारे दूर दराज में बैठे हुए साथियों का अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो। दूसरी मुख्य मांग है हमारे पदोन्नति के पद है उनके अंदर इजाफा हो, जिनका समझौता हो चुका है। पहले 1:5 के अंदर हमारे पदोन्नति के पद हो रहे थे, अब हमारी जो समझौता हुआ है उसके अंदर 1:4 में हमारे पदोन्नति के पद होने चाहिए। उसके अलावा हमारे 106 पद है जो पूर्व में जिला कलेक्टर कार्यालय और संभागीय आयुक्त कार्यालय में होते थे, उनको पिछली बार सरकार ने कम कर दिए हैं। हम उन पदों को बढ़ाने की मांग करते हैं। और
राज्य में लगातार जारी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का कल ग्राम पंचायत भेरुंदा में भी पंचायत स्तर की प्रतियोगिता का रखा गया समापन समारोह, जहां खुद व्याख्याता सुखाराम द्वारा भी बच्चों के सम्मुख जिम्नास्टिक का किया गया प्रदर्शन। वहीं मेहरता विधायक इंदिरा देवी बावरी कल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चावंडिया कला में पहुंची, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ओलंपिक खेलों का समापन समारोह हुआ। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। इसके पश्चात प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया सम्मानित। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विद्यालय विकास के लिए विधायक से की अपील तथा विधायक ने ग्रामीणों को बाउंड्री वॉल सहित अन्य मरम्मत कार्यों के लिए किया आश्वस्त। जैन गायक कलाकार कटू बने स्कूल में ही बने तो छोटा छोटा भजन भी आपने गाना चाहिए, खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए और जो भी स्कूल में प्रोग्राम है वे भी में सब में आप बच्चा भाग लेना चाहिए। करीब 2 साल बाद गणेश महोत्सव के तहत जिले के गांव कस्बों और पांडालों में चल रही है तैयारियां। सजी दजी पांडाल में विराजित हुए हैं गणपति बप्पा। कई जगह पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर भजन संध्याओं का भी हुआ आयोजन। कुचेरा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर राजकीय अस्पताल के पास स्थित गणपति मंदिर में कल रात्रिकालीन भजन संध्या का हुआ आयोजन, जिसमें दिनेश नागौरी एवं उनकी पार्टी ने गणपति वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। इसके पश्चात भजन गायक जय नारायण चौहान ने राजस्थानी मिट्टी का बखान करते हुए दी प्रस्तुतियां। इसके बाद कार्यक्रम में दिल्ली से आए कुणाल राज एंड पार्टी ने विभिन्न झांकियों के साथ मौजूद श्रद्धालुओं को किया भाव विभोर तथा कई अन्य कलाकारों ने भी इस दौरान दी अनेक प्रस्तुतियां। संवत्सरी महापर्व पर जैन समाज ने अनूठी पहल करते हुए जीव दया में एकत्रित हुई राशि को गायों की सेवा के लिए किया समर्पित। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर जैन समाज ने लंपी स्किन बीमारी को देखते हुए कल कुल 11,430 रुपये एवं अन्य सामान के साथ स्थानीय गौशाला में गो भक्तों को सौंपी राशि। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में सरपंच गिरधारी लाल सैनी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने की शिरकत। खेल क्षेत्र की प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाते हुए भविष्य में भी संसाधनों को उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ने का दिलाया भरोसा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान व्याख्याता प्रकाश चंद्र टेलर ने भी बांसुरी वादन से सभी को किया मंत्रमुग्ध, साथ ही अन्य छात्र छात्राओं ने भी दी रंगारंग प्रस्तुतियां। इस मौके पर विजेता टीमों को स्मृति चिन्ह किए गए प्रदान। मकराना में भी गणपति महोत्सव में सजाई गई सजीव झांकियां। शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित शिव मंदिर में चल रहे गणपति महोत्सव में कल देर शाम जसवंतगढ़ के कलाकारों द्वारा सजाई गई सजीव झांकियां, जिसमें स्थानीय बालक बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया भाग। इस मौके पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शनों का उठाया लाभ। मकराना में उपखंड कार्यालय में उपखंड स्तरीय महिला समाधान समिति की मासिक बैठक उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा की अध्यक्षता में हुई आयोजित। इस मौके पर एसडीएम ने एनजीओ संस्थाओं को निर्देश देते हुए बताया कि महिला उत्पीड़न की समस्याओं को कम करने के लिए उपखंड स्तरीय महिला समाधान समिति का अधिकाधिक किया जाए प्रसार प्रसार, जिससे महिलाओं को मिल सके लाभ। उधर नावा उपखंड के मारोट कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचौता में भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा उपखंड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट ने अध्यक्ष के रूप में की शिरकत। इस मौके पर विधायक ने संबोधित करते हुए खेलों के आयोजन के पीछे गाँव ठाणी की खेल प्रतिभाओं को आगे लाकर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से करवाया अवगत। उन्होंने बताया कि शिक्षा एवं खेल के साथ गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार है प्रयासरत। इस मौके पर उन्होंने पांचोता गांव में स्थित कुंडा धाम को विकसित करने के लिए पर्यटन स्थल के रूप में अनुशंसा करते हुए 7,76,00,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी होने की भी दी जानकारी।
कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बोर्डी में गुरुवार को स्थानीय विधायक मंजू मेघवाल ने नवकर्मोन्नत माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय का किया उद्घाटन। इस मौके पर विद्यालय की बालिकाओं ने विधायक का तिलक लगाकर करवाया मंगल प्रवेश तथा सरस्वती पूजा कर फीता काटने की रस्म अदा करते हुए नवकर्मोन्नत विद्यालय का किया गया उद्घाटन। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विधि प्रस्तुतियाँ तथा ग्रामीणों ने विधायक एवं विद्यालय स्टाफ का सम्मान करते हुए जताया आभार। विद्यालय में कमरों की मांग करी है तो निश्चित तौर पर मैंने बात कर ली, आपने दो कमरों की मांग तो करे, देखो मैं कमरे तो दे दूंगी पर एक ही कमरा गांव वालों को भी देना पड़ेगा, तो मैं घोषणा करूँ नेता नहीं करूँगी। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए कल बजरी परिवहन करते हुए दो डंपरों को किया जब्त। गश्त के दौरान थानाधिकारी सूरजमल ने जाप्ते के साथ पीलवा में उप तहसील के पास बाजबास की तरफ जा रहे दो बजरी से भरे डंपरों का पीछा कर रुकवाया तथा चालकों से ई रवाना के बारे में पूछताछ की तो चालकों ने नहीं होना बताया। इस पर कार्रवाई करते हुए डंपरों को थाना परिसर में खड़ा करवा कर माइनिंग विभाग मकराना को दी गई सूचना। यह है न्यूज 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।